हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाते हैं मिर्ची पकौड़ा। सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ले ली है, जिसे भावनगरी मिर्च भी कहते हैं। इसे मैंने स्प्लिट कर लिया है और इसके बाद चम्मच की हेल्प से जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है और जो बीज हैं उसे निकाल लिया है। आप इसे रिमूव कर दीजिएगा, इससे जो है पकौड़े कम तीखे लगेंगे। फिलिंग के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं उबाले हुए, इसे मैश किया है। जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार और आमचूर पाउडर मिलाया है और इसे अच्छी तरीके से मैश कीजिए। हल्दी पाउडर डालिए। बेसन का घोल बनाने के लिए 2.5 कप जो है बेसन लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और नमक और हल्दी मिलाया है और इसे पानी की सहायता से बैटर बनाया है। आप ध्यान रखें कि आप जो बैटर बना रहे हैं वो गाढ़ा रहे और बेकिंग सोडा ऐड कीजिएगा, ऑप्शनल है। पानी धीरे धीरे करके मिलाइएगा। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। हमने जो मिर्ची में कीड़ा लगा के रखा है उसे हम आलू मसाला फिल कर लेंगे सारी मिर्चियों में। यदि आप चाहें तो इसे स्पून यानी चम्मच की सहायता से भी फिल कर सकते हैं। अब आप मिर्चियों को बेसन के बाटे में डिप करके फ्राई करें। इसे पलट लीजिएगा और इसी प्रकार से इसे फ्राई कीजिएगा पलट पलट कर। पकौड़े जो हैं तल चुके हैं, अब इसे निकाल लीजिए और यदि आप चाहें तो किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या इसे ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये रेसिपी देखने के लिए थैंक्स सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट। हैव अ गुड डे।